मेरे प्यारे छात्र, आठवीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे कि राखी बांधकर पेड़ों से रिश्ता नामक पाठ। इस पाठ के लेखिका है प्रज्ञा। प्रज्ञा के द्वारा विरचित यह प्रबंध नहीं तो पुस्तक बहुत अद्भुत तथा रोचक से भरा हुआ है। इस पाठ अलवर के कुछ प्रतीतों के बारे में कहते हैं। आखिर अलवर के लोग किस तरह जीना पसंद करते हैं, उनकी जीवन शैली, वह प्रकृति को किस तरह पूजनीय मानते हैं, प्रकृति के हरेक तत्व को किस तरह समझ चुके हैं, इन सभी विचारों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ में पुस्तक में तारा की अलवर यात्रा से लिया गया है। प्रज्ञा कुमारी यह पुस्तक पाठ तारा की अलवर यात्रा नामक पुस्तक से लिए है। अलवर में लोगों ने पानी, जंगल, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाकर अपने बदहाली को खुशहाली में बदल दिया है। इन पर एक सोचकर, इन पर प्रकृति के इन तत्वों पर सोचकर, पानी, जंगल और पशु पक्षियों की सुरक्षा, इनकी सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। इनकी जो इनको देने वाले गौरव है, हम प्रकृति के साथ देने वाले गौरव है, ऐसा मानकर उन्होंने प्रकृति के इन तत्वों की रक्षा करने के निर्णय लिए हैं। इसके कारण से वह बदहाली को खुशहाली के रूप में बदल दिया है। छात्रों को इससे पर्यावरण सुरक्षा का साथ साथ मानव के श्रम तथा हौसले का महत्व भी ज्ञात होता है। बच्चों को इसके बारे में पर्यावरण सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण के तो हमें क्या क्या मिलते हैं, इन सभी विचारों के बारे में मालूम होते हैं। जल, जंगल, जमीन के प्रति समर्पण की भावना रखने लगे, इसे बड़े से रोचक तरीका से चाचा ने बताया। जल, जंगल, जमीन के प्रति समर्पण की भावना रखने लगे, इसे बड़े रोचकता तरीके से चाचा ने बताया। चाचा यानी चिक्कप्पा कहते हैं, चाचा ने बताया। उन्होंने हमसे एक सवाल किया, हमसे एक प्रश्न पूछा, हमसे एक सवाल किया कि क्या तुम दराड़ी का अर्थ बता सकते हो, क्या तुम दराड़ी का सही अर्थ बता सकते हो? What do you mean by the दराड़ी? दराड़ी का मतलब तुम जानते हो? ऐसे पूछने पर दराड़ी का अर्थ बता सकते हो? हम चुप। लेखिका और उनके मित्रगण सभी चुप थे। अरे भाई, शब्द पर ध्यान दो, शब्द पर ध्यान दो। उस शब्द का अर्थ जानने के लिए उस पर ध्यान देना है। दराड़ी का असली मीनिंग क्या है, असली मतलब क्या है? हम भी ऐसा जो प्रश्न पूछे तो क्या आप दराड़ी का मतलब जानते हैं, ऐसे में पूछा तो आप भी आश्चर्य, ये क्या है दराड़ी, ऐसा जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं। दराड़ी का अर्थ है धरोहर, धारण, धारण करना और क्या। दराड़ी का अर्थ है धरोहर, धारण, धारण करना, उसको अपना है, समर्पण भावना, वैसे अपना ऐसा मानना, यही है। हमें अभी भी समझ में नहीं आया ये क्या कह रहा है, धरोहर, धारण, ये सभी क्या है। लेखिका और उनके मित्रों को ये असल में समझ में ही नहीं आया। अब चाचा ने बात खोल कर समझाई, इसका सही अर्थ बताया। सही अर्थ इन्होंने बताया, राजस्थान में दराड़ी शब्द का निश्चित अर्थ है, बाकी और जगह पर इसका विशेष अर्थ क्या है मालूम नहीं है, लेकिन राजस्थान भारत का एक सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक कहने वाले, डेजर्ट सिटी कहने वाले
और डेजर्ट स्टेट कहने वाले राजस्थान, राजस्थान के बारे में। राजस्थान में इस दराड़ी के लिए एक विशिष्ट अर्थ है, निश्चित अर्थ है। यहाँ एक परंपरा है कि हर एक परिवार कुल की एक एक दराड़ी है, हर एक परिवार के लिए कुल के लिए एक एक दराड़ी होना है, एक दराड़ी अवश्य रहना है, एक दराड़ी का अवश्य रहना ही होगा, ऐसा उन्होंने निर्णय। यह दराड़ी मूल रूप से वृक्षों की जीव जंतुओं की रक्षा का भाव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द दराड़ी? दराड़ी का अर्थ है वृक्षों की और जीव जंतुओं की रक्षा की भाव। देखिए, रक्षा का भाव वृक्षों की, वृक्ष यानी पेड़, जीव जंतुओं की, पशु पक्षी कोई भी हो, इनकी रक्षा का भाव, इनकी रक्षा करना है, यही भावना है, यही दराड़ी कहलाते हैं। आपको यहां मालूम रहना है, यह दराड़ी मूल रूप से वृक्षों के जीव जंतुओं की, जंतुओं का भाव है। इस परंपरा के साथ कई कथा भी चली आ रही है, इसके साथ कई परंपरा भी चले आ रहे हैं। एक कथा उसका उस पर पीछे लग गए हैं और उसके पीछे एक कथा भी है चले आ रहे हैं। वैसी किसी कष्ट के मौके पर परिवार को अशोक कदम बरगद आदि वृक्षों ने सहायता पहुंचाई तो लोगों ने आजीवन उस वृक्षों के सम्मान से उसे ना काटने का निर्णय लिया है। अशोक वृक्ष बहुत वैल्यूएबल वृक्ष, कदम ट्री बहुत वैल्यूएबल ट्री, बरगद ट्री यह भी बहुत ऊंच जो तरह का ट्री से पेड़ है। यह जो पेड़ों ने एक तरह से शुद्ध वायु देकर, दूसरी तरह से बहुत मूल्य लेकर, इसका मौल्य है ना समाज में, बहुत उत्कृष्ट मौल्य है। यदि एक एक जगह पर, राजस्थान के कुछ जगहों पर ऐसा जो नियम है पेड़ों के लिए, जो कोई भी जन्म लेते हैं तो उनके नाम से 108 ट्री उगाते हैं और जमीन में डाल देते हैं और पैदा कर देते हैं। वह जैसे ही यहां बड़ा होते हैं ना, वैसे ही वहां भी बड़ा हो जाते हैं। बड़े होने पर उनको उनकी प्रॉपर्टी है, वहां उतना वह प्रॉपर्टी उसका है, ऐसा कह देते हैं। यदि कष्ट के समय पर उसका इस्तेमाल भी वह कर सकते हैं, वैसे कर सकता है और कर सकते हैं। कोई भी जो जन्म लिए तो ऐसा कहते करते हैं, स्पेशली गर्ल्स जहाँ जन्म लेते हैं ना, उनको यह मतलब यह नियम अपना कर रहते हैं। यह एक 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 जो नियम है, देखिए पर्यावरण के प्रति उनकी श्रद्धा का भाव किस तरह हुआ, पर्यावरण पर जुटे हैं, पर्यावरण की रक्षा पर रक्षा को अपना महत्वपूर्ण कर्तव्यों में एक माने हैं। देखिए लोगों ने आजीवन जिस तरह इन्होंने उनको सहायता पहुंचाई, जैसे शुद्ध वायु देकर और कष्ट के समय पर यह धनराशि के रूप में आकर किस तरह उसे मुसीबतों को सामना करने में सहायता की है, इसलिए उन्होंने आजीवन इस वृक्षों की ना काटने का इस वृक्षों की ना काटने का यह जो बरगद ट्री हो, अशोक ट्री हो और नहीं तो कदम्ब ट्री हो, इनमें जो औषधीय गुण भी रहते हैं, कभी कभी वह बहुत बड़े बड़े समस्याओं के लिए भी हल के रूप में सहायता करते हैं। इस कारण से इसको न काटने का, कभी भी नहीं काटना है, ऐसा उन्होंने निर्णय लिए। आपने शायद कर्नाटक के सर्वोत्तम महिला कहलाते हैं, पर्यावरण के बारे में कहना, उसके बारे में कहना अत्यंत अनिवार्य है। जैसे राजस्थान में पेड़ों को बच्चों की तरह पालते हैं, पोसते हैं, अपने जो परिवार का एक हिस्सा मानते हैं, उसी तरह कर्नाटक में भी एक ऐसी ही जो महिला थी, वह है सालू मरुदतिमक्का। उसको उन्होंने इतना पेड़ बरगद का पेड़ लगाए, जैसे आप तुमकुरु वहाँ गए तो
आपको यहां आज भी देखने के लिए मिलते हैं। भेड़ बकरियों से बचाकर उनको बड़ा किए हैं, आज उसका वैल्यू बहुत है, फिर भी वह नहीं बेच रही है, पर्यावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करने में सक्षम है। और इन पेड़ों को नियर मोस्ट 300-500 से भी ज्यादा पेड़ लगाए, उनकी यह पर्यावरण प्रेम देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए हैं और साथ ही साथ इन पर मंत्रमुग्ध भी हुए हैं। इनकी यह कंट्रीब्यूशन को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए हैं। यह है आज उसको इतना बड़ा बड़ा सम्मान मिला है, पद्मभूषण, पद्मश्री, ऐसे अवार्ड सभी मिले हैं। यह है हमारे जो प्रकृति प्रेम पर, प्रकृति का जो प्रेम, प्रकृति पर आप प्रेम जताए तो आपको बड़े बड़े पुरस्कार और सम्मान मिलते हैं। अलवर के लोगों को भी ऐसे ही जो सम्मान मिला है, उन्होंने दूसरों के लिए नहीं किए हैं, जैसे हमारे जो सालोमरदती मक्का ने दूसरों के बारे में सोचकर यह मतलब इन पेड़ों को नहीं लगाए, अपनी इच्छा थी, खुद तो करना है, सामाजिक सेवा करना है, इसलिए उन्होंने पेड़ लगाए। यह कहते हैं पर्यावरण के प्रति आपको सचेत करने। बच्चों मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आपको आपके सामने एक प्रश्न उठा देता हूँ, क्या आपने कभी एक पेड़ लगाए हैं? इतने बड़े हो गए हो, साल में एक एक पेड़ लगाए तो भी आपके नाम से कितना पेड़ होते हैं देख लीजिए, यही आपको भविष्य में बहुत बड़ा उपलब्धि के रूप में आप धन इकट्ठा किए तो वो कभी भी खर्च हो सकते हैं, यदि एक पेड़ लगाए तो वह कभी नष्ट नहीं हो सकते हैं, आपके नाम पर ही वो बड़े होते रहते हैं। प्लीज बच्चों एक पेड़ जरूर लगाइए, आपके घर में कोई भी जो मैंगो ट्री, बरगद ट्री, बैनियन ट्री और अश्वत्थामा, बेबी नवरा, कोई भी जो एक पेड़ लगाए, नहीं तो एक छोटा सा पौधा को बड़ा करने के लिए प्रयत्न कीजिए। आप अपने जीवन में कुछ तो किए हैं, प्रकृति के प्रकृति पर आलोचना करते हुए कुछ तो किए हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। बच्चों यह आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है, जल जंगल और इसके बारे में हुआ कथाओं को आग के देखिए काटने का निर्णय लिया है। इन लोक कथाओं को आग के लोगों ने ना माने, परंतु दराड़ी का अर्थ वृक्षों की रक्षा का जो भाव देते हैं वह निश्चित मनुष्य को पर्यावरण के ओर जोड़ने वाला है। देखिए जो हम इसके ऊपर जो कथा कहा तो भी वो आज की दुनिया के मॉडर्न जो जनरेशन के पीपल्स नहीं मानते हैं, फिर भी इन कथाओं पर कुछ तो अर्थ है, कुछ तो इस पर रिलेटेड है। वह क्या है, इन्होंने पर्यावरण में रहने वाले पेड़ पौधों के और पशु पक्षियों के रक्षा की जो भाव रखा है ना, इसको शायद लोग समझने में पीछे नहीं हटते हैं। दराड़ी की यह भी परंपरा इंसानी जीवन में वृक्षों पर हमारी निर्भरता, हमारे जीवन में वृक्षों की अनिवार्यता और उसके संरक्षण में जुड़ी है। मनुष्य जीवन में जिस तरह उसके लिए जीने के लिए पानी आवश्यक है, उसी तरह उसको जीने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन का भी आवश्यकता है, आम्लजनक का भी अनिवार्यता है। मनुष्य प्राणवायु कैसे पा सकते हैं, वह प्राणवायु वह केवल वृक्षों से पा सकते हैं। वृक्ष क्या करते हैं, वह मनुष्य के द्वारा छोड़ने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और जो मनुष्य को चाहिए, मनुष्य को अनिवार्य है, ऑक्सीजन को वह पर्यावरण में छोड़ देते हैं। जिस तरह हम श्वासोच्छ्वास करते हैं ना, उसी तरह पेड़ पौधे भी श्वासोच्छ्वास करते हैं, लेकिन हम जो देते हैं ना उसे वह स्वीकार कर देते हैं, वह जो देते हैं ना वह हम स्वीकार करते हैं।
देखिए दोनों बैलेंस तरीके से चल रहे थे, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए इन पेड़ पौधों को काट लिया। अभी क्या हो रहा है, उपलब्धि मात्रा में आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा भी बढ़ रहा है। इससे क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाते हैं और प्रकृति विकोप हो जाते हैं। परंपरा इंसानी जीवन में वृक्षों की अनिवार्यता हमको मालूम है, हमें इस पर हम इस पर सोच भी लगाए हैं, फिर भी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को नष्ट करते हैं और पेड़ पौधों को मार गिराते हैं और नहीं तो काट देते हैं। हमारे निर्भरता हमारे जीवन में वृक्षों की अनिवार्यता और उसके संरक्षण में जुड़ी है। आज मनुष्य इस पर थोड़ा आलोचना कर रहे हैं। मनुष्य को यह याद कब आते हैं, June 5th को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उस दिन ओनली वह क्या करते हैं, पेड़ पौधा लगा देते हैं, उसके बाद में क्या हुआ उसके बारे में सोचता ही नहीं है। ऐसा करने से का आप पर्यावरण को पर्यावरण के बारे में आपका जो सोच है ऐसा हम नहीं कह सकते। जो उस पेड़ को लगाने के बाद में उसकी जो पालन पोषण किए बगैर है वह बड़ा नहीं हो सकते, भेड़ बकरियों से बचाए बिना वह बड़ा नहीं हो सकते। इसलिए जैसे आप पेड़ लगाते हैं ना, जैसे आप पौधे लगाते हैं ना, उसको जागरूकता से देखना भी आपका वही कार्य है। उसको बड़ा करना है, बाद में वो बड़ा हो जाते हैं। जैसे माँ बाप आपको 15-20 वर्ष तक आपका पालना पोषणा करते हैं ना, उसी तरह आपको भी एक पेड़ लगाए तो कुछ समय तक उसकी पालना पोषणा करना आपका कर्तव्य है, जिम्मा है। वह जैसे ही बड़े हो जाते हैं वह बाद में आपकी आप पर अवलंबित नहीं रहते हैं। प्रकृति पर मिलने वाले हर एक जो सत्वों को स्वीकार कर वह बड़े हो जाते हैं। प्रकृति के अनुचित दोहन का कार्य इसे एक हद तक रोका या सीमित किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल तो हर एक घर में गैस सिलेंडर आने के कारण से प्रकृति की उतनी मात्रा में दोहन कार्य नहीं हो रहा है। नहीं तो पहले दोहन मतलब बर्निंग, पहले एक जमाना था कि पूरा जो घर के कामकाज इन लकड़ियों के मदद से ही होते थे। जंगल में मिलने वाले इन लकड़ियों को काटकर घर लाते थे, घर में उसको खाना पकाने के लिए उपयोग कर देते थे। कभी कभी अनुचित मात्रा में वह दोहन कार्य कर देते थे, अनलिमिटेड कितना चाहे मनुष्य चाहते हैं ना उतना वह दोहन कार्य कर लेते हैं। यह शायद मनुष्य को आज जागृत हुए हैं, वह भी दोहन कार्य करने में थोड़ा रोक लगाया है। इस तरह प्रकृति को हरा भरा रखने के प्रयत्न में वह भी जुटे हैं। इसी तरह तुम जीव जंतुओं के संदर्भ में भी देखा है कि देखिए पेड़ पौधों को हम नहीं काटे तो नहीं तो दोहन नहीं किए तो वह बड़े हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य स्वाति न केवल पेड़ पर अपना नजर डाले हैं, जीव जंतुओं पर भी नजर डाले हैं। इनके कारण से ही क्या हुआ है, आज प्रकृति में जीव जंतुओं की संख्या कम होते जा रहे हैं। इससे कारण क्या है, कारण क्या होते, देखे राजस्थान का बिश्नोई समाज के काले हिरण को अपना दराड़ी मानते थे। इससे पहले काले हिरण मतलब डीर कहते हैं, जिनके तहतर में उसको अपना दराड़ी मानते थे। दराड़ी मतलब संरक्षण का भाव है। बिश्नोई समाज के लोग आज भी उनका एक संप्रदाय बनाकर रखे हैं। राजस्थान में हर एक घर में देखना है बिश्नोई समाज के जो लोगों के, उस हर एक परिवार में देखना है बहुत सारे जो
काले हिरण को वहां पालते हैं, पोसते हैं, पालन पोषण वहां हो रहा है। वह उसको अपने दैव के रूप में देखते हैं, अपने भगवान के रूप में देखते हैं, उनको कोई हाथ उन पर किसी को भी हाथ तक नहीं लगाने देते हैं। वह मानते हैं कि यदि इसको हमने इस पर हमने कुछ किए तो वो सीधा से सीधा भगवान के साथ हम अत्याचार किए हैं, ऐसा प्रतीति मानते हैं। इसलिए काले हिरण को अपना दराड़ी मानकर उनको उनकी रक्षा पर वह समाज जुट गए हैं। राजस्थान में यह आज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। इतनी सुंदर रोमांचक है ये लोक कथा, इंसान पेड़ पौधों पशु पक्षियों के मधुर संबंधों के गाथा कहती है। देखिए इससे हमें क्या मिलता है कि इससे हमें यह मालूम होता है कि एक समाज एक प्राणी को अपना दराड़े मारकर उनकी रक्षा पर जुट गए हैं। उसी तरह था मनुष्य मन लगाए तो वह जरूर भविष्य में यह करके दिखा सकते हैं कि वह इन प्राणियों पर अपने दया का गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। मनुष्य के लिए असंभव कोई भी चीज नहीं है, लेकिन वह इसे उपलब्धि मात्रा में करना नहीं चाहते हैं। वह तो प्रकृति पर अत्याचार करना ही और प्रकृति के संतुलन को बिगड़ाना ही चाहते हैं। प्रकृति के एक साइकिल रहते हैं, प्रकृति का एक चेन सिस्टम रहते हैं। किस तरह यह बढ़ते हुए जो संख्या को कम करना है, लेकिन क्या हो रहा है कभी कभी इस पर उल्टा सीधा होकर मानव के स्वार्थ के कारण से यह उल्टा सीधा होने की संभावना भी ज्यादा है। इन्हें सुनकर जितना सर सिर उठते हैं कि मेरा मन में पटक सा गया। अंततः चाचा जी ने आवाज दिशा ही दिखाई। देखिए यह कल्पना करते करते लेखिका अपने दुनिया में खो गई, हिरण की दुनिया में, पेड़ पौधों की दुनिया में। वाह कितना सुंदर होगा उनकी वह दराड़ी। यह सुनते मतलब आलोचना करते करते आगे बढ़ रहे थे, उसी बीच में पिताजी के चाचा जी के द्वारा कहा हुआ एक शब्द क्या किया, इनको सचेत कर दिया, इनको जागृत कर दिया। आखिर बाद में क्या हुआ देखेंगे। चाचा जी बात बता रहे थे कि अलवर के लोग वृक्षों के महत्व को जान गए हैं। इसी तरह हमें वृक्षों के महत्व जानना है। जिस तरह अलवर के लोगों ने वृक्षों के महत्व जान चुके हैं, उसी तरह हमें भी हर एक जो गांव के, हर एक शहर के, हर एक मनुष्य को, इस भारत के हर एक मनुष्य को वृक्षों के महत्व को जानना है। वृक्ष हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वृक्ष हमारे लिए क्या बन सकते हैं, इन सभी विचारों पर विचार करना अत्यंत अनिवार्य है। और अपनी दराड़ी का ही नहीं है, दूसरों की दराड़ी का भी रक्षा कर रहे हैं। न केवल अपनी दराड़ी, एक एरिया पर, इंद्राड़ी के इस एरिया पर कहीं भी वृक्षों को काटने नहीं देना है। इसका मतलब ये नहीं है दूसरे गांव में जाकर हम तो उस वृक्षों को काट कर आना है, ऐसा नहीं है। उन्होंने न केवल अपनी दराड़ी को ही सीमित कर रखा है, उसके साथ साथ दूसरों की दराड़ी पर भी वह गौरव देते हैं और उनको उन पर अपना सहानुभूति जागृत करते हैं। दूसरों की दराड़ी की भी रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे प्रकृति की केवल जरूरत पर सामग्री ले रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य को यह सीखना अत्यंत अनिवार्य है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, प्रकृति से जितना लेना है उतना ही लेना है, ज्यादा नहीं। देखिए आप किसी को भी एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आपको क्या कर रहा है, घर बना लो ऐसा कहा तो आप क्या कर देते हैं, मेरे लिए
पति के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, दादा के लिए, दादी के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए, सबके लिए एक एक जगह बुक कर देते हैं, फ्री में मिलता है। जितना अनिवार्य है ना उतना ही लेना। अब सभी मिलकर रहते थे ना, वैसे ही रहने के लिए कोशिश करना है। क्यों लालच में पड़ना है, ऐसा लेखक का कहना है। एक और विचार आप पर देखना है, देखें वे प्रकृति के जरूरत पर सामग्री ले रहे हैं, उसका अनावश्यक दोहन नहीं कर रहे हैं। अनावश्यक तरीके से दोहन बर्निंग, सुडूदू, सुमसुमने बेकबेकित, सुमसुमने और ऐसे अदन्न सुट्टु भस्मा माडुवुदिल्ल गिंतु दोहन नहीं कर रहे हैं। वृक्ष रोपने का काम तो लोगों ने बड़े पैमान पर ही किए हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, वृक्ष रोपना, रोपना यानी लगाना, बीज बोना कहते हैं ना, वैसे ही वृक्ष लगाने पर भी वह पीछे नहीं हटे हैं। यदि एक पेड़ काटा तो उसके बदले में दो से ज्यादा पेड़ लगा देते थे। यहाँ है मनुष्य को कहते हैं यदि एक बार पेड़ काट लिए तो आपको 12 पेड़ लगाना है, कहते हैं यहां मनुष्य के लिए। यहां विवरण भी है, वो जो बड़े 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 देशों में क्या करते हैं मालूम है, वृक्षों को बिना काटे ही एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन करना इंडिया में क्या हो रहा है मालूम है, यही मैं हाईवे जो प्राधिकार के बारे में देखा था, इतने बड़े बड़े पेड़ों को काट कर गिरा दिया, शायद उसको शिफ्ट किया तो बहुत बड़े संख्या में पेड़ों की रक्षा होता था। हाईवे प्राधिकार ने इतना पेड़ों को काटा है, इतना पेड़ों बहुत पेड़ों को काटे है, असल में वहाँ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ओके, फिर भी पेड़ तो गवर्नमेंट का नहीं है ना, या तो सोचना है हमको। ऐसा एक ही नहीं है एक प्राधिकार इन्होंने किया है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसा मनुष्य ने ऐसा करते आए हैं। इस तरह वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यस ओके, वृक्ष रोपने का काम तो लोगों ने बड़े पैमान पर किए हैं, साथ ही पेड़ों की राखी बांधकर उनसे एक जीवित रिश्ता निभाए हैं। राखी बांधना अत्यंत अनिवार्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राखी किसको बांधते हैं और क्यों बांधते हैं, राखी क्यों बांधते हैं और किसको बांधते हैं? राखी इसलिए बांधते हैं कि उनसे एक रक्षा की भाव जागृत करना है। बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं, कारण क्या है मालूम है आपको? कारण इतना ही है कि इस राखी बांधने से भाई मेरा रक्षा करेगा और भाई मेरा सदा सदा के लिए मेरी रक्षा करने का जिम्मा उठाएगा, ऐसा जो कारण से उन्होंने राखी बांधते हैं। राखी बांधने का जो अर्थ है पेड़ों मतलब उसकी रक्षा करना। यहाँ अलवर के लोगों ने क्या किया, एक पेड़ को राखी बांध लिया, इसका मतलब है उसको उसकी रक्षा करना हम सबके जिम्मेदारी है, हम सबके जिम्मेदारी होने के नाते उनकी रक्षा करना अत्यंत अनिवार्य मानकर वह एक जीवित रिश्ता निभाए है। जिस तरह बहन अपने भाई के साथ एक जीवित रिश्ता निभाते हैं, उसी तरह ये लोग भी, अलवर के लोग भी वहां के पेड़ों पर पेड़ों के साथ जीवित रिश्ता निभाए हैं। जल और जंगल को बचाने के गांव वाले सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अपने परिश्रम और संगठन शक्ति के आधार पर उन्होंने सच्चे पर्यावरण प्रेम का उदाहरण देश के समक्ष रखा है। इस तरह राखी बांधकर उन्होंने पेड़ों के साथ रिश्ता निभाकर उन्होंने क्या किया है, लोगों को कहा है, देश भर के लोगों को कहा है आपको भी वैसे ही करना है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, प्रकृति में रहने वाले हर एक पेड़ों की रक्षा करना आप सबका जिम्मेदारी है, इसलिए उनके जीवित रिश्ता निभाने के लिए कहते हैं। और अपने परिश्रम और संगठन शक्ति आधार पर उन्होंने सच्चा पर्यावरण प्रेम तथा उदाहरण देश के सामने रखा है। यह सब कोई जादू मंत्र से नहीं हुआ है, ये उन्होंने परिश्रम से करके दिखाया है। पर्यावरण की रक्षा हम कर सकते हैं वह परिश्रम से किया है, पेड़ को उन्होंने लगाकर अपना परिश्रम को देश के सम्मुख रखा है।
विकास की इस राह पर चलकर उन्होंने अपने सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी सुधारा है। आज वहां के लोग, अलवर के लोग बहुत आमदनी में बहुत स्ट्रांग है। कारण क्या है, उन्होंने जैसे उन्होंने पेड़ों की रक्षा किए थे और पेड़ों को लगाकर अपने प्रकृति को स्वच्छ रखने का प्रयत्न किए थे, उसी तरह का पेड़ भी उनकी उनके अभिवृद्धि पर और सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में आज सफल हुए हैं। जल ने जीवन दिया है, जीवन ने ग्रहण किया है आकर, जनजागृति की शिक्षा महत्व जाना है। आज लोगों ने इसके महत्व जान चुके हैं, मनुष्य के लिए पानी किस तरह अनिवार्य है और पानी के बिना वह रह नहीं सकते हैं, ऐसा वह सोच लिया है। बच्चों और महिलाओं को भी शिक्षा को नया आसमान मिला है, रोजगार का नए अवसर प्राप्त हुए हैं। आज यह बढ़ने के कारण से ही, यह जो पेड़ों की संख्या बढ़ने के कारण से ही मनुष्य को कुछ न कुछ रोजगार यानी उद्योग मिला है। और जो आज के जो अलवर के लोग अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नाम बेरोजगार है ऐसा निशाना ही नहीं है, वहाँ हर एक जो मनुष्य अपने रोजगारी भी बढ़े हैं और अपने आर्थिक स्थिति भी बढ़ाकर आज समाज में एक निश्चिंत होकर जीवन निभाने का कार्य में जुटे हैं। इस तरह हम अलवर के लोगों के प्रकृति पर, उनके प्रकृति के साथ उनके आदर भाव और प्रकृति के साथ उनके उनका गौरव का गुण तथा प्रकृति की रक्षा में उन्होंने अपना जीवन भर के कार्य किए हैं, यह जो अध्ययन किए हैं, आने वाली कक्षा में हम इसके आगे का भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों तब तक यह पाठ आप पढ़कर रहते हैं, ऐसी जो आशावाद से आज की कक्षा यहाँ ही खत्म कर देता हूँ। धन्यवाद।